आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गोरधुया नाले के कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बांसगांव थाना क्षेत्र में 24 जून को गायब बुजुर्ग छब्बू यादव के घर चिट्ठी भेजकर मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती, पैसा ना देने पर हत्या करने की दी गई धमकी। एसपी साउथ ने कहा, पुलिस चिट्ठी सहित अन्य बिंदुओं पर कर रही है जांच, जल्द ही बुजुर्ग को सकुशल कराया जाएगा बरामद। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में बनाया जाएगा 1294 तालाब। 51 तालाबों पर कार्य है जारी। 15 अगस्त तक 59 तालाब बनाने का रखा गया है लक्ष्य, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। सीडीओ इंद्रजीत सिंह का रविवार को लखनऊ नगर आयुक्त के पद पर हुआ तबादला। कहा, सीडीओ रहते नागरिकों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों का मिला पूरा सहयोग, विकास के कार्यों को मिली रफ्तार। दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त दिवाकर शर्मा को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया शांतिपूर्वक सत्याग्रह। कहा, इस योजना को वापस ले सरकार और भर्ती की पुरानी परंपरा को फिर से किया जाए बहाल। अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 लीटर अवैध कच्ची शराब किया बरामद, भेजा जेल। और MG इंटर कॉलेज की संचालक मातृ संस्था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन करने का किया ऐलान। कहा, वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनकी कक्षाओं में जाकर अपने जीवन के अनुभव को साझा कर देंगे छात्र छात्राओं को प्रेरणा।